जया प्रदा खूबसूरत इतनी कि अच्छी अच्छी एक्ट्रेस भी इनसे शर्मा जाए। एक समय था जब जया प्रदा का फिल्म में होना ही फिल्म की हिट होने की गारंटी माना जाता था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स लाइन में लगे रहते थे इनको फिल्म में साइन करने के लिए। जया प्रदा अपने पूरे पिक पर थी, पर तभी इन्होंने एक ऐसी गलती की जिसके कारण इनकी जिंदगी तबाह हो गई। यहाँ तक कि इन्हें अपने बेटे और पति के लिए भी तरसना पड़ा। तो आखिर जया प्रदा ने वो कौन सी गलती की थी जिसके कारण इनकी खुशनुमा जिंदगी बर्बादी की राह पर चली गई और इनकी जिंदगी तबाह हो गई। आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं जया प्रदा की जिंदगी से जुड़ी वो अनसुनी कहानी जिसको कि शायद आप लोग ही जानते होंगे। दोस्तों, आपसे शिकायत है कि आप बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, ना ही आप वीडियो को शेयर करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत और पहचान है, इसलिए आप अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ बनाए रखें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस से पॉलिटिक्स में आने वाली जया प्रदा अक्सर अपने पॉलिटिकल बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। 70 से 80 के दशक में एक्ट्रेस का नाम बॉलीवुड की टॉप की हीरोइंस की लिस्ट में शामिल था। उस दौर में हर बड़े फिल्म मेकर की जुबां पर सिर्फ जया का नाम होता था। आलम यह था कि फिल्म में जया का नाम सुनते ही फैंस रिलीज से पहले ही उसे हिट घोषित कर देते थे। एक्ट्रेस ने अपने बॉलीवुड करियर में आसमान छूती ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ काफी तनाव भरी थी। जया प्रदा ने साल 1974 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म भूमि कौसम में अपने डांस से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद फेमस डायरेक्टर काशीनुधानी विश्वनाथ ने साल 1976 में आई फिल्म सिरी सिरी मोवा का रीमेक बनाया था। इस फिल्म का नाम था सरगम। ये फिल्म साल 1979 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म से जया प्रदा ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म ने एक्ट्रेस की किस्मत को पलट कर रख दी। ये फिल्म जया प्रदा की लाइफ गेम चेंजर साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद से जया बॉलीवुड की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस में से एक बन गई थी। जया प्रदा जिस वक्त अपने कैरियर की पीक पर थी, उनके आगे फिल्म ऑफर्स की लाइन लगी रहती थी। एक्ट्रेस की बॉन्डिंग श्रीकांत नाहटा से काफी अच्छी थी। वो उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी थी। साल 1984 में आई हैसियत के बाद एक्ट्रेस के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इस वक्त श्रीकांत नाहटा ने ही एक्ट्रेस की मदद की थी। इसके बाद जया और श्रीकांत नाहटा की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद 1986 में एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर से शादी कर ली थी। श्रीकांत नाहटा और जया प्रदा की शादी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई थी। वजह यह थी कि एक्ट्रेस पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति से शादी कर रही थी। पहली शादी से श्रीकांत नाहटा को 3 बच्चे भी थे। श्रीकांत नाहटा ने जया से शादी के बाद भी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था। इस शादी के बाद जया प्रदा को दूसरी औरत का टैग मिल चुका था। बॉलीवुड में उनके साथ फिल्म मेकर्स काम करने से कतराने लगे थे। एक समय ऐसा आया जब जया प्रदा ने श्रीकांत नाहटा से अलग होने का फैसला कर लिया। एक्ट्रेस उनका घर छोड़कर अलग रहने लगी। श्रीकांत नाहटा और जया प्रदा का कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण एक्ट्रेस ने अपनी बहन से एक बच्चे को गोद लिया। इस बच्चे को जया ने सिद्धू नाम दिया था। जया ने इसे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। सिद्धू तमिल इंडस्ट्री में काम करते हैं। 1986 में एक इंटरव्यू में जया ने एक शादीशुदा से अपने रिश्ते पर बात की थी। बॉलीवुड मेमोरीज के मुताबिक जया से पूछा गया, आप एक शादीशुदा के साथ इतने सीरियस रिलेशनशिप में कैसे आ गई? इस पर जया ने कहा, ये बस हो गया। वे मेरे प्रोड्यूसर थे और वे मेरे मुश्किल दिनों में काम आते थे। जब कोई आपके लिए प्यार से कुछ करता है तो धीरे धीरे आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जया ने यह भी कहा था कि हर औरत चाहती है कि उसे प्यार मिले और उसकी शादी हो। मैंने भी यही चाहा। इस रिश्ते पर श्रीकांत की फैमिली का क्या रिएक्शन था? इस पर जया ने कहा था, उनके परिवार को भी पता था, हमने इस रिश्ते को कभी छुपा कर नहीं रखा। आंध्र प्रदेश के राजा मुंद्री में जन्मी जया ने हिंदी सिनेमा को कई जबरदस्त हिट फिल्में दी है। उनके पिता कृष्णा राव एक फिल्म फाइनेंसर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। जया अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन पर परफॉर्म कर रही थी जब उन्हें एक निर्देशक ने देखा था और उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। उस वक्त जया सिर्फ 12 साल की थी और उन्हें एक फिल्म के गाने में परफॉर्म करने का मौका मिला था। फिल्म का नाम था भूमि कौसम और इस फिल्म के लिए 3 मिनट के गाने में जया को परफॉर्म करना था। जया फिल्मों में काम करने को लेकर संकोच महसूस कर रही थी, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें प्रोत्साहित किया, जिसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया। पहली फिल्म के लिए उन्हें महज 10 रुपए फीस मिली थी।
जयाप्रदा का असली नाम उनके ज्यादातर फैंस नहीं जानते हैं। उनका वास्तविक नाम है ललिता रानी, लेकिन बाद में जिस तरह अधिकतर कलाकार ने अपना नाम बदला, उसी तरह सिल्वर स्क्रीन के लिए जया ने भी अपना नाम बदल लिया था। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है और आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत और पहचान है। सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको इस चैनल पर किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। आपके मनपसंद की वीडियो इस चैनल पर जरूर अपलोड की जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो में। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।